हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आज आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस के, जो आपका 10th क्लास का पेपर है और उस पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, एक टॉपिक है स्पेशल, जैसे कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB का एक पूरा एक सेटल है और आपका पेपर है, ठीक है। तो आपको अपने पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। नंबर पहला पॉइंट है मेरा, देखिए दर्पण, ठीक है। तो देखो दर्पण क्या होता है, दर्पण का मतलब क्या होता है, देखो, ठीक है। दर्पण एक तरह से दो दर्पण होते हैं, नंबर एक उत्तल दर्पण एंड नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो अवतल दर्पण होता है। तो देखो उत्तल दर्पण का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ अक्सर आप करते हैं किस चीज़ के अंदर, कार में, ठीक है, ट्रक में और बस में, यानी पीछे की चीज़ को देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, और अवतल दर्पण का जो यूज़ करते हैं वो आप सामने वाली चीज़ को देखने के लिए, यानी हेडलाइट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने एक चीज़ सीख लिया, समझ लिया कि देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, पीछे की चीज़ में लगा होता है, छोटी चीज़ को, मतलब जो बड़ी चीज़ होती है ना उसको छोटा करके दिखाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या होता है, जो चीज़ जितने आकार की है उसको उसी आकार में दिखाएगा। तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करना है, इन दोनों में से एक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो कि हमारी जो सौर भट्टी होती है, कौन सी सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी में एक तरह से कौन सा वाला, ठीक है, सौर भट्टी में एक तरह से जो आपका जो दर्पण होता है ना वो आपका अवतल दर्पण काम करता है, कौन सा वाला अवतल दर्पण, ये वाला है ना, ये वाला अवतल दर्पण काम करता है, अवतल दर्पण काम करता है। तो ये आप सीख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा, ये बात ध्यान से चले आप और लेकर के चले इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लो कि हम जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये वाला, इस वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं, एक तरह से आभासी दर्पण भी कहते हैं, आभासी दर्पण भी कहते हैं, है ना, ये बातें आप याद रखेंगे, यानी उत्तल लेंस को हम आभासी दर्पण भी कहते हैं। देखो आगे ना कुछ है कि प्रकाश, सेकेंड पॉइंट आपका प्रकाश, प्रकाश का मीनिंग लाइट, तो लाइट के बारे में पूछ लेगा, एक क्वेश्चन आपको लाइट का तैयार करना है, लाइट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या कितने, मतलब नियम कितने हैं, रूल आपसे क्या मालूम किया जाएगा, रूल कितने हैं, प्रकाश के रूल कितने हैं, ठीक है, ठीके? और इसके एक तरह से कोश कितने हैं, ठीक है, इसके कोश कितने हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखो यहाँ पे जो इसके कोश हैं, ठीक है, तो रूल कितने रूल हैं, बेसिक रूप से आपके दो नियम हैं, कितने, टू रूल्स हैं, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। तो आपको इन दोनों रूल्स को तैयार करना है, ठीक है। और इसके जो एंगल होते हैं ना, कोश होते हैं, वो भी दो होते हैं, ठीक है। तो जैसे साइन आई का नियम अपॉन कितना साइन, ठीक है, आर, ये हो गया, ठीक है, यानी आई अपॉन आर हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई अपॉन कितना हो गया, आर हो गया यहाँ पर। और इसे ना भैया स्नेल का नियम भी बोला जाता है, किसका नियम बोला जाता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, नियम मतलब थ्योरी ऑफ स्नेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है, ठीके? किसको, प्रकाश का जो नियम है, आपको स्नेल का नियम है, तो आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन तैयार करना है स्नेल के नियम पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन पूछेगा लेंस पर, पूछेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको लेंस पर क्वेश्चन तैयार करना है ना, लेंस पर। तो देखो लेंस कितने होते हैं, नंबर अभी अभी जैसे मैंने बता दिया आपको, देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो ये दो लेंस होते हैं, ठीक है, और इन लेंस का जो एक तरह से यूज़ होता है ना, वो मतलब दृष्टि के लिए होता है, विज़न के लिए होता है। तो विज़न के लिए जब यूज़ होगा तो हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, कब, जब हमारा विज़न होता है, विज़न के लिए यूज़ होता है। तो जैसे मैंने विज़न यहाँ पर दृष्टि का नाम दिया, किसका, लेंस, तो यहाँ पे कैसा, एक तो उत्तल दर्पण होता है और एक
अवतल दर्पण होता है। तो ऐसे ही एक तरह से निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखो पहला तो आपका ये बना और दूसरा आपका सेकंड ये बना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए लेंस बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात ये है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। तो देखो एक तरह से जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, उसमें जो जैसे किसी को दूरदृष्टि दोष होता है तो वो दूर की चीज़ को तो देख सकता है लेकिन पास की चीज़ को नहीं देख सकता है। तो ऐसे ही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज़ को तो देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ को नहीं देख सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, दूरदृष्टि दोष में हम एक तरह से किस लेंस का यूज़ करते हैं, एक तरह से अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अवतल लेंस में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस पास की चीज़ को दिखाता है, यानी जैसी चीज़ है उसको वैसे ही दिखाएगा। जबकि निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो सिंपल है, उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। किसका, उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। अब ये दोनों लेंस हमारी दृष्टि के लिए वेरी हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी तरह से हमें इसको याद रखना है, ठीक है। तो दृष्टि दोष पे एक क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है, और दूरदृष्टि दोष पर और अवतल लेंस और उत्तल लेंस पर याद कर लो। इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब देखो यहाँ पर ना मानव नेत्र आ गया, मानव का नेत्र आ गया नंबर 4 पॉइंट पे, मानव नेत्र, मानव नेत्र हो गया, आई हो गया या नेत्र हो गया, ठीक है, ये बात याद रखो। तो देखो मानव नेत्र में क्या होता है, उसके कुछ पार्ट्स होंगे। देखो आँख होती है तो आँख के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर इसके मानव आई के कितने पार्ट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नंबर एक, सबसे पहले क्या आप रक्त पटल कर दो, रक्त पटल है ना। नंबर सेकंड आप इसका, ठीक है, रक्त पटल के बाद आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद नंबर थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आ गया, दृष्टि, दृष्टि आ गया। और नंबर फोर पे आपका नेत्र गोलक, नेत्र गोलक। नंबर फाइव पर आपका लेंस, लेंस। नंबर सिक्स पर परितारिका, नंबर आगे, ठीक है, पुतली, पुतली, पुतली के बाद नंबर आठ अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, पक्षाभि पेशिया, नंबर नाइन पक्षाभि पेशिया। तो इन सभी का यूज़ हमारे मानव नेत्र में करते हैं, ठीक है। तो ये मानव नेत्र के ना भाग हैं, ये सारे पार्ट हैं, किसके, मानव नेत्र के पार्ट हैं। नंबर एक रक्त पटल, कॉर्निया, दृष्टि, नेत्र, गोलक, लेंस, पक्षाभि पेशियाँ, अभिनेत्र लेंस, पुतली और परितारिका। देखो ये चीज़ सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानव नेत्र बना लेना है, ठीक है, मानव नेत्र को बना लेना है। और मानव नेत्र को बनाने पर आप इस तरह से, ठीक है, आप मानव नेत्र बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा और उसके बारे में आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र की आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मानव नेत्र बनाओ आप, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है, जैसे भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी मानव नेत्र में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बना लोगे तो आपको फिर ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप मानव नेत्र बनाइए। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर ना कुछ कलर, दूसरा 5 नंबर है आपका, 5 पॉइंट है। तो देखो 5 पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है, 5 पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, देखो आपको 5 पॉइंट तैयार करना, एक तरह से ना वर्ल्ड विक्षेपण को तैयार करना है, वर्ल्ड विक्षेपण को तैयार करना है, ठीक है। वर्ल्ड विक्षेपण में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो आपका ना कलर विज़न होता है ना, प्रकाश वगैरह होता है, प्रकाश के जो जितने भी क्वेश्चन प्रकाश के चैप्टर में आप गए होंगे, तो वहाँ पर आपको ना एक इस तरह से प्रिज्म दिखाई देगा, नंबर
प्रिज्म दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने बनाया प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा, एक 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 एंड 7 ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। 7 के बाद में आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे श्वेत किरण हो जाएगी आपकी, यहाँ पे श्वेत किरण, श्वेत किरण। उसके बाद में क्या होता है, पर्दा। उसके बाद क्या होता है, पर्दा, पर्दा, ठीक है। पर्दे के बाद आपका यहाँ पे ये क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है भैया। यहाँ पे ऊपर कौन सा, लाल, रेड है ना, रेड हो गया, रेड, ठीक है, नारंगी, नारंगी, ठीक है, येलो, येलो, येलो के बाद में, ठीक है, हरा, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू, ब्लू के बाद आपका जामुनी, जामुनी के बाद में बैंगनी, बैंगनी। आपको ना ये चित्र तैयार करना है, और ये चित्र तैयार करने के बाद में आपको फिर डेफिनेशन आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण में आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। सबसे गहरा रंग देखो, ठीक है, इन सारे कलर को आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ वहाँ पे ना, इन सबको समझने के बाद में आपको 6 नंबर पे जाना है, और यहाँ पे विद्युत धारा को समझना है कि व्हाट इज विद्युत धारा, क्या होती है ना बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है, इस पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो देखो सिंपल है कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा, है ना, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे तो आई का मीनिंग क्या हो गया, आई का मीनिंग क्या हो गया, आई का मीनिंग एक तरह से विद्युत धारा, आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा, ठीक है, आई बराबर विद्युत धारा। और क्यू बराबर, क्यू बराबर आवेश, क्यू बराबर आवेश, आवेश। और टी बराबर टाइम, टी बराबर टाइम, ठीक है। तो जबकि ये बात ध्यान रखने, विद्युत धारा के साथ इसका जो मतलब मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, इसका जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, वो होता है एम्पियर, एम्पियर होता है, ठीक है। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ऐसे ही किलोग्राम का होता है, लंबाई का होता है, ठीक है। इनको सबको आपको याद रखना है, सारे मात्रक आप याद रख लो, ठीक है। और दो राशियां होती हैं, नंबर कितनी राशियां होती हैं, नंबर 7 नंबर यहां पे देख लो, राशि दो होती हैं, नंबर एक, नंबर एक अदिश राशि और नंबर दो सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अच्छे से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत, अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत, नंबर 5, नंबर 6 विद्युत। देखो आपको विद्युत पे क्वेश्चंस को तैयार करना है, इलेक्ट्रिक पे तैयार करना है, ठीक है, विद्युत पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको ज़रूर ध्यान रखना, वी इज इक्वल टू आर अपॉन, आर अपॉन आई को ध्यान रखना है, ठीक है, आर अपॉन आई को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेकिन एक बात और याद रखना, विद्युत के अंदर ये चीज़ तो आ गई, बट 7 पॉइंट पे जाओ, 7 पॉइंट पे जाने के बाद में जैसे कि धारा, धारा विभवांतर, धारा विभवांतर एंड प्रतिरोध, एंड प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो देखो ये विद्युत शक्ति के मतलब क्या है, एक तरह से पार्ट होते हैं ना, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जो होती है ना इसके। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर लो इस पे, ठीक है, इसको। इसके बाद में आपको नंबर 8 नंबर पे आपका ना विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को आप एक बार बना लो,
उसका डायग्राम पूरा बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में आपकी समझ आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। कुछ मतलब रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जैसे ओम का नियम, ओम का नियम ना, नंबर ओम का नियम, फैराडे का नियम, फ्राइडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, ठीक है। ये चारों नियम आप तैयार कर लो, यहाँ से ना आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करो, क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत नंबर 10 आपके लिए, ठीक है। तो देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, ठीक है। माइकल फ्राइडे के डायनेमो का, ठीक है, इस तरह से विद्युत का नियम, ठीक है। और ये सभी नियम आपके लिए, जैसे बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, है ना, ये सारे रूल आप तैयार करेंगे, है ना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त का नियम, दक्षिणावर्त का नियम, दक्षिणावर्त का नियम, तो ये नियम आपके लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय नियम, चुंबकीय नियम, है ना। तो आप चुंबकीय जो होता है, चुंबकीय पर क्वेश्चन तैयार करेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अंतर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 1, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में अंतर पाना है, डिफरेंस करना है, मतलब दोनों में अंतर क्या है, मतलब कुछ अंतर भी आपको लेकर के चलने हैं, ठीक है। तो है ना, तो विद्युत मोटर कार का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत, है ना, इस तरह से आपको इन सिद्धांतों को तैयार करना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, ठीक है। 11 नंबर पे विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ठीक है। तो इन सारे नियमों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इनमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे आराम से, इजी तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको तैयार क्या करना है, जैसे कुछ हमारी जो समीकरण है, रिएक्शंस है हमारी, कुछ समीकरण है, ठीक है, रिएक्शंस है ना, उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे के मतलब आप तांबा है, तांबा, पीतल, लोहा, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम,
नंबर थर्ड 13, ठीक है। इसी तरह से जो शारीरिक अंग हैं, शरीर के अंग हैं, जैसे जैसे यकृत, आंत, दिल, ठीक है, फेफड़े, हड्डी, ठीक है, ब्लड, ठीक है, इन सभी को आपको ना तैयार करना है। उसके बाद ग्रंथियों को तैयार करना है आपको, ठीक है, जैसे यकृत, पीयूष, ठीक है। नेक्स्ट आगे 14 नंबर पे प्रकाश संश्लेषण के लिए, जैसे जल, CO2, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। नंबर आगे बीमारियां, ठीक है, इन सभी को यूज़ करना है। जैसे कि ये बीमारियाँ, और इन बीमारियों के लिए आपको अगली वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, रिवीजन कर लो एक बार। देखो दर्पण, अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कार में, ट्रक में, बस में, हेडलाइट में, सौर भट्टी में इनका यूज़ किया जाता है। प्रकाश, लाइट, रूल, कोश, फर्स्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे सेकंड, ठीक है, यानी दो प्रकार के होते हैं। साइन आर, आई अपॉन आर, स्नेल का नियम भी इसे बोला जाता है। लेंस, निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस कौन कौन से होते हैं। मानव नेत्र, आई हो गया, ठीक है, रक्त पटल हो गया, कॉर्निया हो गया, एक तरह से दृष्टि हो गया, नेत्र गोलक हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे परितारिका हो गया, पुतली हो गया, अभिनेत्र लेंस हो गया, पक्षाभि पेशी हो गया। इसका पिक्चर बना लेना अपना खुद से, ठीक है, सही हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण आपका श्वेत विकर्ण आ गया, प्रिज्म आ गया, पर्दा आ गया, लाल नारंग, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात रंग होते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे विद्युत धारा क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ट्यू, विद्युत धारा क्यूब आवेश, टी बराबर टाइम, एसआई में एम्पियर हो गया, राशि हो गया, अदिश राशि, सदिश राशि हो गया, ठीक है। धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, विद्युत बल्ब, ओम का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम, न्यूटन का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, मैक्सवेल का नियम, दक्षिणावर्त का नियम, चुंबकीय नियम, ठीक है। विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में अंतर क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, राशि, अदिश राशि, ठीक है। 11 विद्युत मोटर का सिद्धांत हो गया, समीकरण हो गया, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा, ठीक है। शरीर के अंग हो गए यकृत, आंत, दिल हो गया, फेफड़े, हड्डी, ग्रंथि हो गया यकृत, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इन पे ना तैयार करके लेके जाओ एग्जाम में आपका, ठीक है, और अच्छा होगा, कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, ठीक है। मेरी विश आपके साथ है, और सेंड करना कल को कमेंट्स में, सेंड करना कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह से मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलता हूँ आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।